एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। कोई नंबर डिजिट डाल देते हैं और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डिजिट डाल देते हैं। अब फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट में जितनी भी संख्याओं का फर्क है दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर से ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ, तो उतनी ही संख्याओं का फर्क नीचे तक आ जाएगा। अब इन सबको हमें ऐड करना है, तो आप ऑल्ट के साथ डबल इक्वल प्रेस करिए, सब ऐड हो जाएंगे। आपको कुछ रैंडम डिजिट चाहिए तो उसके लिए आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे 40 से लेकर के 140 तक के बीच में डिजिट चाहिए और उसे सेलेक्ट करके जितने भी एरिया में फिल करना है कंट्रोल आर से राइट डी से डाउन। लेकिन ये होगा कि जब भी आप इसके बाहर काम करेंगे यहाँ डिजिट अपने आप चेंज होती रहेंगी बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड में फॉर्मूला लगा हुआ है। आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ वैल्यू में चेंज करते हुए इसके बैकग्राउंड से फॉर्मूला हटा सकते हैं। अब कहीं भी बैकग्राउंड में रैंड बिटवीन का फॉर्मूला नहीं है। आप इसको बॉर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल्ट एच बी टी सिंपल कमांड के साथ। आप चाहें तो इसमें से कुछ संख्या को सेलेक्ट करके, जैसे इक्वल के साथ मैंने ये सेलेक्ट किया, प्लस मैंने ये सेलेक्ट किया, प्लस मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस इसको, यानी कि मैंने कुछ बीच बीच में से संख्याएं इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैंने कौन कौन सी संख्याएं ऐड करी हैं आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला पे आकर के यहाँ ट्रेस प्रेसेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एरो के मदद से बता देगा कि कौन कौन सी संख्याओं को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो इसे वापस रिमूव एरो भी कर सकते हैं।